कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर बुधवार को भी महानगर की सड़कों गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। महानगर के बरगदवा, कोड़ियावा, घंटाघर, मोहद्दीपुर, आजाद चौक सहित अन्य सड़कों पर आवागमन बंद रहे। इस दौरान पुलिस सड़कों पर नाकाबंदी कर बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को चिन्हित कर रही है। फिलहाल पूरे महानगर में लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, प्रचार प्रसार पेपर माध्यम हर रोज कराया जा रहा है, रोज दे रहा है पेपर में किसी में हर जगह दिया जा रहा है। दिन में सब आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग वाले उधर भाग गए, कोरोना आई नहीं हमारे मोहल्ले में, कोई है ना कहीं। समय में लॉकडाउन में जितने नियम हैं सबका पालन कराया जा रहा है, लोग भी कम निकल रहे हैं, मंडी में भी थोक व्यापारी भी अलाउ किए जा रहे हैं, टू व्हीलर वाले इक्का दुक्का आ रहे हैं, इनको समझा बुझा के वापस भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी जहां जहां चौराहों पर तरहों पर लोग जो जबरदस्ती निकल रहे हैं या बिना मतलब निकल रहे हैं, उनको घेरा बना के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बैठाया जा रहा है, ताकि एक संदेश जाए कि आप लोग बेफालतू मत गुजिए, जीवन अनमोल है, और जब तक लॉकडाउन चल रहा है उनके नियमों का पालन कीजिए, अपना जीवन बचाइए और दूसरों का भी जीवन बचाइए। नागरिकों की अपील है कि इसको लॉकडाउन को गंभीरता से लीजिए, जिस तेज़ी से पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आपके दो चार दस दिन घर रहने से निश्चित रूप से रोक लग सकती है, तो आप लोग घर रहिए। एसेंशियल सर्विसेज जो है वो चालू हैं, ज़्यादातर चीज़ें आपके घर पर अवेलेबल हैं, तभी बाहर निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो, वास्तव में इमरजेंसी हो, मात्र एक छोटी चीज़ का, कोई एक रुपये की दवा लेने के लिए या छोटी चीज़ के लिए आप बाहर मत निकलिए, तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो।